नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्वामी शिवानंद सरस्वती की जीवनी। स्वामी शिवानंद जी का जन्म दक्षिण भारत के ताम्रपर्णी नामक नदी के किनारे पट्टा भड़ाई नामक गांव में 8 सितंबर 1887 को हुआ था। इनके पिता श्री पी एस वेंगुवैयर तहसीलदार थे। वे शिवाजी के परम भक्त थे। इनकी माता श्रीमती पार्वती अम्मा ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली एक आध्यात्मिक महिला थी। इनके माता पिता इनके जन्म से बहुत खुश थे। उन्होंने इनका नाम कुप्पू स्वामी रखा। बालक कुप्पू स्वामी बहुत ही दयालु और कुशाग्र बुद्धि वाला था। बचपन से ही इनके मन में करुणा व दया कूट कूट कर भरी पड़ी थी। अपनी माता से खाने की चीज़ें लेकर दरवाजे पर आए कुत्ते, बिल्ली, गाय व कीड़े मकोड़ों को खिलाते रहते थे। माता पिता के आध्यात्मिक विचारों के कारण वह कुप्पू को खाद्य सामग्री बड़े प्यार से लाकर दिया करते थे। इन्होंने अपने गांव में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुप्पू स्वामी सदा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा करते थे। इनकी स्मृति बहुत तेज थी। ये जो कुछ भी याद करते थे वह इन्हें हमेशा याद रहता था। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एसपीजी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ शिक्षा के साथ साथ इन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं और नाटकों में भी भाग लिया। सन 1905 में इन्होंने शेक्सपियर के ए मीड समर नाइट्स ड्रीम्स नामक ड्रामे में अभिनय किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुप्पू स्वामी तंजौर के मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए और वहां चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन में रत हो गए। वहां भी इनकी कुशाग्र बुद्धि, सीखने की धुन और सेवा भाव से सभी चकित थे। छुट्टियों में जब सब विद्यार्थी अपने घर जाते थे तब वे कॉलेज में रहकर रोगियों की सेवा करते थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही ये ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन में रहकर रोगियों की सेवा करते थे। अपने कार्य और जान को देखकर दूसरे डॉक्टर कहा करते थे कि तुम विद्यार्थी जीवन में ही इतना जानते हो जितना हम भी नहीं जानते। यहाँ से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात कुप्पू स्वामी ने प्रैक्टिस शुरू की। रोगियों की चिकित्सा के साथ साथ इन्होंने चिकित्सा संबंधी एक पत्रिका निकालना भी प्रारंभ किया। सन 1913 में ये मलाया पहुंच गए। वहां जाने के लिए इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि इनके परिजन इन्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। वे ब्राह्मण परिवार के थे। उस समय समुद्र पार कर विदेश में जाना पाप समझा जाता था। वहां जाकर इन्होंने एक राजकीय चिकित्सालय में नौकरी कर ली तथा वहाँ भी इन्होंने अपने परिश्रम व सेवा भाव से शीघ्र ही ख्याति अर्जित कर ली। ये सभी के साथ ये बड़े प्यार से बोलते थे। बीमारों के लिए इनके मन में दया का भाव हमेशा बना रहता था। कुछ बार तो पूरी पूरी रात जागकर मरीजों की सेवा किया करते थे। गरीब व्यक्तियों से ये कुछ नहीं लेते थे बल्कि उन्हें आहार आदि के लिए पास से ही पैसे दे दिया करते थे। इतना व्यस्त जीवन होते हुए भी कुप्पू स्वामी साधु संन्यासियों एवं महापुरुषों का सत्संग करते रहते थे। उनके प्रति इनके मन में सदैव सम्मान की भावना रहती। एक बार साधु के सत्संग में आकर इनके मन में वैराग्य भावना उदय हुई। वे पहले से ही शंकराचार्य, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद आदि का साहित्य पढ़ते रहते थे, प्रतिदिन पूजा करते थे। इस प्रकार उनका वैराग्य दृढ़ता को प्राप्त हुआ। इन सभी बातों के साथ साथ ये योग साधना भी करते रहते थे। कुछ समय पश्चात इनके मन में सब कुछ छोड़कर साधना करने का भाव उदित हुआ और ये अपनी नौकरी छोड़कर मलाया से वापस भारत आ गए। यहाँ आने के बाद अपना सामान घर पहुँचाकर बिना घर में प्रवेश किए ही वापस हो गए और तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए ये सन 1924 में ऋषिकेश पहुंच गए। वहां स्वामी विश्वानंद सरस्वती के संपर्क में आए जो कैलाश आश्रम में महंत थे। इन्हीं को कुप्पू स्वामी ने अपना गुरु बनाया।
अपनी संन्यास लेने की इच्छा को इनके सम्मुख रखा। स्वामी जी ने इन्हें संन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम स्वामी शिवानंद सरस्वती रखा। तत्पश्चात स्वामी शिवानंद स्वर्गाश्रम में रहने लगे और साधना करने लगे। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की साधनाएं, तपस्या एवं क्रियाएं, उपवास, मौन धारण आदि का अभ्यास करने लगे। प्रातःकाल गंगा जी के पानी में खड़े रहकर मंत्र का जप करना इनकी दिनचर्या का मुख्य अंग था। ये प्रतिदिन 12-12 घंटे ध्यान करते रहते। साधना के साथ साथ ये अन्य साधुओं की कुटियों में जाकर उनकी निःशुल्क चिकित्सा करते और औषधियाँ देते थे। इन्होंने अपने विचारों को कार्य रूप देते हुए गरीब व्यक्तियों की सहायता के लिए एक स्थायी अस्पताल खुलवाया, जिसके लिए इन्होंने अपने बैंक खाते से, जो मलाया में था, पैसे मंगवाकर लक्ष्मण झूला के पास सन 1927 में एक धर्मार्थ चिकित्सालय खोला। इस सब कार्य को करते हुए भी ये निरंतर साधना करते थे। स्वाध्याय उनकी नियमित दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग रहा। अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। धीरे धीरे इनके शिष्य की संख्या बढ़ने लगी। ये जहाँ भी जाते, इनके तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत से लोग इनके शिष्यत्व को स्वीकार करते। सन 1936 में इन्होंने ऋषिकेश में ही दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से इन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। अपना साहित्य जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने ही आश्रम में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जिसमें प्रकाशित साहित्य लोगों में निःशुल्क बांटा जाता था। इनके शिष्य में देसी विदेशी सभी थे। स्वामी शिवानंद जी भक्ति, ज्ञान व कर्मयोग सभी साधनाओं में विश्वास रखते थे और इनसे संबंधित विचारों को सरल भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाते थे। ये जीवन भर दीन दुखियों की सेवा और धर्म प्रचार के कार्य में लगे रहे। जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में आया, वह इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। इनके द्वारा कई किताबें लिखी गई, जो कुछ इस प्रकार है: कर्मयोग साधना, गुरु तत्व, जप योग, जीवन में सफलता के रहस्य, ज्योति, शक्ति और प्रज्ञा, दिव्योपदेश, ध्यान योग, बालकों के लिए दिव्य जीवन संदेश, ब्रह्मचर्य साधना, भगवान श्री कृष्ण, मन रहस्य और विग्रह, मनोजय, मरणोपरांत जीवन और पुनर्जन्म, मानसिक शक्ति, योगाभ्यास का मूलाधार योगासन, विद्यार्थी जीवन में सफलता, शिवानंद आत्मकथा, संत चरित्र और सत्संग और आध्यात्म, हिंदू तत्व विवेचन आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्वामी सत्यानंद जी इन्हीं के परम शिष्य हैं, जिन्होंने योग के क्षेत्र में इन्हीं के द्वारा प्रेरणा लेकर एक नई जागृति उत्पन्न की एवं बिहार योग विद्यालय की स्थापना की, जो योग के क्षेत्र में विख्यात है और योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दिव्य जीवन संघ के माध्यम से स्वामी शिवानंद जी ने अनेक विद्यार्थियों की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की तथा उनको देश विदेश में जाकर योग विद्या के प्रचार प्रसार का अवसर प्रदान किया। दिव्य जीवन संघ केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर योग का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। दिव्य जीवन संघ के कुशल योगाचार्यों द्वारा अनगिनत पुस्तकें योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में लिखी गई है, जो अति महत्वपूर्ण है, जिसमें स्वामी चिदानंद महाराज कृत आध्यात्म प्रसून, आलोक पुंज, उत्तर में शैल शिखरों से, गीता तत्व, दर्शन ज्योति, पथ की ओर, मानवीय सत्य, योग संदर्शिका, मुक्ति पथ, शाश्वत संदेश, साधना सार आदि मुख्य है। स्वामी शिवानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म योग सभी साधनाओं में विश्वास रखते थे और इनसे संबंधित विचारों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते थे। जीवन भर दीन दुखियों की सेवा और धर्म प्रचार के लिए कार्य करते थे।
जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। ऋषिकेश और आसपास के गांवों में निवास करने वाले लोग उनके प्रति बड़ा सम्मान और प्रेम रखते थे। जीवन के अंत में वे शरीर की कमजोरी और बीमारी के कारण आश्रम में रहकर ही संपूर्ण कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। तो इस प्रकार हमने जाना स्वामी शिवानंद जी की जीवनी के बारे में। अगली कड़ी में हम जानेंगे महर्षि पतंजलि की जीवनी। धन्यवाद।